अखिलेश ने खेला धोबिया पछाड़ दाव, बनारस में बिगड़ा मोदी का गणित। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि राजनीति दाव की सूझबूझ में नेताजी जैसा पॉलिटिशियन देश में कम ही है। अभी तक तो यही लग रहा था कि 2017 में अखिलेश यादव को सिर्फ मुलायम सिंह की राजनीति विरासत ही मिली है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में एक के बाद एक चुनावी पासा फेंक रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि अखिलेश भी सियासी दाव पेच में नेताजी के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश ने बनारस में मोदी के खिलाफ नामांकन के आखिरी घंटे में ऐसी पॉलिटिकल बॉल फेंकी कि पूरी बीजेपी बौखला गई। बनारस में मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा खूब जोर पकड़ रही थी, लेकिन प्रियंका के मैदान में नहीं उतरने के बाद बनारस का चुनावी माहौल नीरस सा हो गया था। समाजवादी पार्टी ने यहां से शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस ने 5 बार के विधायक रहे अजय राय को मैदान में उतारा। बनारसी चर्चा की बात करें तो लोगों को ऐसा लगता है कि बनारस में मोदी की जीत अब कोई शक नहीं रहा और मोदी की लड़ाई सिर्फ मोदी से है, मतलब कि वो 2014 की तुलना में इस बार जीत का अंतर कितना बढ़ा पाते हैं, यह उनका चैलेंज है इस बार और इसके लिए टीम मोदी लगी हुई है। शालिनी के सामने रख टीम मोदी को किया कंफ्यूज। कांग्रेस और एसपी के पत्ते खोलने से पहले बीएसएफ के प्रकाश जवान तेज बहादुर यादव नामांकन कर चुके थे और चुनावी मैदान में डटे थे, जो शुरुआती दिनों में अखबार की सुर्खियां तो बटोर पाए थे, लेकिन जैसे ही बड़े नेताओं ने एंट्री ली तेज बहादुर यादव खबरों से गायब हो गए। लेकिन राजनीति में कब कौन किसके लिए अन्ना बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। बीएसएफ का प्रकाश जवान जो चंदे के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे, केजरीवाल से लेकर एसपी कांग्रेस समेत प्रमुख पार्टियों से समर्थन की अपील कर रहे थे, इसी बीच अखिलेश यादव ने प्रत्याशी के तौर पर सामने तो शालिनी यादव को रखा, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी बातचीत तेज बहादुर यादव से चल रही थी। लेकिन पेचा फंसा तो एसपी के सिंबल को लेकर। अखिलेश चाहते थे कि तेज बहादुर यादव एसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। हालांकि बाद में तेज बहादुर यादव साइकिल पर सवार होने को राजी हो गए। तेज बहादुर को चुनावी मैदान में उतारने से पहले अखिलेश यादव ने 27 अप्रैल को वाराणसी के सभी प्रमुख समाजवादी पार्टी के नेताओं को लखनऊ बुलाया और अपना आदेश सुनाया। हालांकि एसपी सुप्रीमो के इस बात का डर था कि तेज बहादुर के ऊपर सेना से जुड़े तमाम आरोप हैं, ऐसे में कहीं उनका पर्चा खारिज ना हो जाए। गोरखपुर में भी बिगड़ चुके हैं बीजेपी का खेल। बनारस की तरफ गोरखपुर में भी अखिलेश यादव बीजेपी की चाल बिगड़ चुके हैं। गोरखपुर में तो अखिलेश के दाव के बाद बीजेपी अभी तक खड़ी नहीं हो पाई है। योगी आदित्यनाथ निषाद पार्टी को अपने पाले में लाए तो अखिलेश ने तुरंत रामभुवल निषाद को टिकट देकर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिरकार बीजेपी को मजबूरी में भोजपुरी फिल्म स्टार रवि कृष्ण को मैदान में उतारना पड़ा, जिसे लेकर चर्चा है कि बाहर का प्रत्याशी क्यों। तेज बहादुर यादव के एसपी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने से बनारस में नरेंद्र मोदी की सियासी चाल बिगड़ सकती है। बीजेपी अभी तक राष्ट्रवाद और सैनिकों के सम्मान के नाम पर चुनाव मैदान में थी, इन दोनों ही मुद्दों के आधार पर वो विरोधियों को घेर रही थी, लेकिन बनारस में बीजेपी का यह दाव उल्टा पड़ रहा है। यहां पर पार्टी के सामने एक पूर्व सैनिक की ही सरकार की पोल खोल रहा है। तेज बहादुर यादव को अब सेना के पूर्व जवानों के अलावा सामाजिक संगठनों के साथ साथ एसपी बीएसपी गठबंधन का मजबूत साथ है। माना जा रहा है कि मोदी से नाराज वर्ग तेज बहादुर यादव को हाथों हाथ ले सकते हैं, वैसे ही जैसे 2014 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को लिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।